हम क्वेश्चन में जाएं उससे पहले हम देखेंगे इफिसियो के बारे में, हम सीखेंगे इफिसियो के बारे में, हम जानेंगे कि इफिसियो किस प्रकार का शहर था और इस पत्री को किसने लिखा है, हम उसके बारे में देखेंगे। इफिसियो शहर जो है व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। इफिसियो शहर में एक समुद्र था और उस समुद्र के द्वारा वहाँ पे समुद्री जहाज आया जाया करते थे और जिसके लिए वहाँ पे व्यापार करने का बहुत अच्छा साधन था। लोग व्यापार करने के लिए उस शहर में आया करते थे और उसके साथ ही इफिसियो शहर में अर्तेमिस देवी नाम का एक मंदिर था और उस मंदिर में जो है देश विदेश से लोग आकर उस देवी की आराधना करते थे, उसकी पूजा करने के लिए वहाँ पे आया करते थे। साथ ही इफिसियो शहर जो है वो अपनी सांस्कृतिक चीज़ों के लिए भी, सांस्कृतिक बातों के लिए भी वो बहुत प्रसिद्ध था। इफिसियो शहर जो है व्यापार के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, धार्मिक क्षेत्रों में वो बहुत प्रसिद्ध था और सांस्कृतिक चीज़ों में बहुत प्रसिद्ध था और इन्हें इफिसियो के लोगों को इस बात पर बहुत गर्व होता था कि हमारे शहर में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से लोग आके व्यापार करते हैं, अर्तेमिस देवी की आके आराधना करते हैं। इन चीज़ों के लिए वहाँ के लोगों को बहुत ही गर्व महसूस होता था और इस पत्री को प्रेरित पौलुस लिखते हैं। प्रेरित पौलुस जो जब इस पत्री को लिख रहे हैं वो जेल में हैं, बंदी गृह में हैं और प्रेरित पौलुस को हम साउल के नाम से भी जानते हैं, जो हम प्रेतों के काम में देख सकते हैं। और तो जब वो विश्वासियों को सताते हैं उस टाइम पे वो साउल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शन हो पाते हैं उनका हृदय परिवर्तन होता है, उनको परमेश्वर एक दूसरा नाम देते हैं जो नाम पौलुस के नाम से वो जाने जाते हैं। और पौलुस जो है वो फिर आगे परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, बहुत सी मिशनरी यात्राएं की पौलुस ने, बहुत से जगहों पे जाके उन्होंने चर्च स्थापना की पौलुस ने। और पौलुस इफिसियो कब आए, पौलुस जो है हम अपरेतों के काम में अध्याय 19 में एक पहले और दूसरे वचन में देख सकते हैं, वहाँ पे पौलुस उस समय इफिसियो में पाए जाते हैं और पौलुस वहाँ पर 2 साल रुककर सेवकाई करते हैं। इफिसियो शहर में 19:10 में हम देख सकते हैं कि पौलुस वहाँ पर 2 साल रुककर इफिसियो में वो सेवकाई करते हैं। पौलुस जो थे प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति थे। हम जब पौलुस की पत्रियों में पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियों को जब हम देखते हैं, हर पत्री में हम पौलुस को कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए हम पाते हैं। और पौलुस जो है, पौलुस की प्रार्थनाएं जो हैं वो हमारी प्रार्थनाओं से अलग हुआ करती हैं। पौलुस की प्रार्थनाएं भौतिक चीज़ों पर कम, आत्मिक चीज़ों पर के लिए ज़्यादा होती हैं। भौतिक चीज़ें हमारी शारीरिक जरूरतों के लिए, हमारी जरूरतों के लिए जो प्रार्थनाएं, उनके लिए पौलुस कम प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन हमारी आत्मा के लिए जो जरूरी है उन बातों के लिए पौलुस अधिक प्रार्थना करते थे, उन बातों के लिए पौलुस ज़्यादा प्रार्थना करते थे। अगर हम सोचें, कुछ क्षण लेके हम सोचें, हमारे जीवन में इस समय वो ऐसी कौन सी प्रार्थना है, कौन सा प्रार्थना का विषय है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं वो कौन सी बातें हैं जो सबसे ऊपर आती हैं, सबसे पहले आती हैं, जब हम जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में चलता रहता है, हमें इस विषय के लिए, अपने जीवन के इस प्रार्थना के विषय के लिए मुझे प्रार्थना करना है। शायद हमारी वो नौकरी हो सकती है, हमारे जीवन में बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, हम आर्थिक तंगी से होके गुजर रहे हैं वो हो सकते हैं। हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रार्थना विषय हो सकते हैं जो गंभीर हो सकते हैं। जरूरी है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें प्रार्थना नहीं करनी, हमें इन विषयों के लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन पौलुस जो प्रार्थना कर रहे हैं वो जहाँ जो पौलुस सिखाना चाहते हैं, इन चीजों से बढ़कर भी कुछ प्रार्थनाएं हैं जो एक विश्वासी को करना चाहिए। कभी जब अभी मैं इन दिनों जब प्रेरितों के काम, जब मैं पढ़ रहा था यीशु की तैयारी कर रहा था पत्री की, मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, अगर इस समय पौलुस होते तो पौलुस को ना जब अगर यीशु नाम सत्संग के लिए वो पत्री लिखते, यीशु नाम सत्संग के लिए भी पौलुस आर्थिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए वो प्रार्थना नहीं करते। मैं ऐसा सोचता हूँ कि पौलुस इस अगर होते
ईश्वर हम सत्संग के आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। और पौलुस हम जो आगे के वचन में देखने जा रहे हैं वो पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं इफिसियों के लोगों के लिए, इफिसियों के विश्वासियों के लिए, और वो प्रार्थना उनके दिल से एक बोझ के साथ आ रही है कि कलीसिया के लोग उन्नति करें, कलीसिया के लोग बढ़े। इफिसियों की पत्री में ही अध्याय एक में पौलुस की प्रार्थना पाई जाती है, अध्याय एक उसके 15-23 वचन में, जहाँ पे पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम उसकी बुलाहट को जान सको, उसकी बुलाहट को पहचान सको। और पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम उसके सामर्थ्य को समझ लो। पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया के लोगों के लिए वो परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश में बढ़ते जाएं, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ सके। और फिर हम जब दूसरी प्रार्थना को देखने जा रहे हैं यहाँ पे, जो पौलुस दूसरी प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सिर्फ हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर को ज्ञान को, परमेश्वर के प्रकाशन को सिर्फ जानने की जरूरत नहीं है, उसमें बढ़ने की जरूरत है, उसमें हमें परिपक्व होने की जरूरत है। और ऐसे पौलुस जब 14 वचन में इस प्रकार शुरू करते हैं, वचन 14:3 उसका 14 वचन, इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है। पौलुस जब प्रार्थना कर रहे हैं वो घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहे हैं। घुटनों पे प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हें सिर्फ घुटनों पे ही प्रार्थना करनी है। हम कैसे भी खड़े होके, टहलते हुए, बैठ के हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब पौलुस यहाँ पे घुटनों पे आए हैं इसका मतलब कि मामला कुछ गंभीर है। जिस विषय के लिए वो प्रार्थना करने पौलुस बैठे हैं वो गंभीर चीज है। वो अब उस बात के लिए, जिस बात के लिए पौलुस प्रार्थना करने वाले हैं, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है उस बात के लिए। इस बात को पौलुस वहां पे, पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं। और घुटनों पे आके प्रार्थना करना, हमारा दिल जब प्रभु के किए हुए कार्यों से भरा होता है, जब हमारा दिल बोझ से भरा होता है, दुख में होते हैं हम, तकलीफ में होते हैं हम, तब हम घुटनों पे आकर हम प्रार्थना करते हैं। और इस बात का तो ये दिखाता है कि हम, हमारा जीवन, हम प्रभु पे निर्भर हैं, इसीलिए हम प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक रहे हैं। और पौलुस ने जैसे शुरू का इस कारण, कारण क्या है यहाँ पे पौलुस का प्रार्थना करने का, वो तीन कारण है जिसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, वो तीन बातें हैं जिनके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। पहला कारण, पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा यहूदियों और गैर यहूदियों के मध्य की दूरी को मिटा दिया है। हम दूसरे अध्याय में 11-14 तक देख सकते हैं, वहां पे पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए हुए, हाथ के किए हुए खतने में खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की कई वाचाओं से भागीदारी ना थे और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे, परंतु तुम जो पहले मसीह यीशु से दूर थे अब मसीह के लहू के द्वारा उसके समीप लाए गए हो, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिरा दी है। यहाँ पे पौलुस प्रार्थना, घुटने पे आके प्रार्थना करने का कारण है कि यहूदी और गैर यहूदी के मध्य की दीवार को, जिनके बीच की दीवार को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा गिरा दिया है। आराधनालय में जब पहले यहूदी और गैर यहूदी प्रार्थना करने जाते थे, उनके लिए अलग जगह, गैर यहूदियों के लिए अलग जगह होता था, यहूदियों के लिए अलग जगह होता था। और यहूदी लोग जो है वो इस बात पर बहुत गर्व करते थे कि वो यहूदी गोत्र से आए हैं, इस बात पर वो बहुत गर्व करते थे, और अन्य जातियों को, गैर यहूदियों को वो बहुत ही तुच्छ नजरों से देखते थे, वो उन्हें अपवित्र मानते थे, वो एक जगह पे इकट्ठे होकर एक साथ आराधना नहीं कर सकते करते थे।
इसलिए पौलुस यीशु मसीह के द्वारा उस भेदभाव को जो यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच था, उसको जो वो भेदभाव को परमेश्वर ने तोड़ दिया है, उनके बीच को उस दीवार को तोड़ दिया है। अब एक गैर यहूदी और एक यहूदी एक ही जगह पे एक भवन में एक समय पर आकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। उस बात के लिए पौलुस अपने घुटने के टेक रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। और पौलुस का दूसरा कारण यह है जो घुटनों पे पौलुस है, पाप के कारण जो मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा फिर से पुनः स्थापित कर दिया है। उसलिए पौलुस अपने घुटनों को टेक रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा विषय, जो तीसरा कारण है वो ये है कि इस समय पौलुस जो है कलीसिया के लोगों के लिए एक गंभीर प्रार्थना के साथ आए हैं। इस समय पौलुस का हृदय जो है कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के एक बोझ के साथ पौलुस आकर वहां पे बैठे हुए। पौलुस घुटनों पे 15 वचन में, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है, उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर के पौलुस सामने घुटने टेक रहे हैं। यहाँ पर पौलुस स्वर्गदूतों की और मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं। जितने जीवित प्राणी है, जीवित अस्तित्व है इस संसार में, वो सब यीशु मसीह के द्वारा जीवित हैं। और यहाँ पे पौलुस जो कुलों की बात कर रहे हैं, उन 12 कुलों की, 12 गोत्रों की बात नहीं कर रहे पौलुस, ये उस बारे में बात कर रहे हैं कि उन परमेश्वर के कुल का, परमेश्वर के परिवार के हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, जो लोग यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने पर विश्वास करते हैं, अब जो यीशु मसीह के द्वारा पाप से बचाए गए हैं, पाप से क्षमा पाए हुए लोग हैं, उनके लिए पौलुस बोल रहा है कि वो उस परमेश्वर के कुल के हिस्से हैं, उस परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं वो। और फिर पौलुस अपनी प्रार्थना में आ जाते हैं वचन 16 में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत होते जाओ। पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार, यहाँ पे पौलुस ये नहीं लिख रहे हैं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा से, जिस महिमा को, जिस परमेश्वर की महिमा को, धन को हम समझ नहीं सकते, हम उसके अथाह धन को, महिमा के धन को हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, उस धन में से नहीं, धन के अनुसार, मतलब पौलुस के कहने का मतलब है कि परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार तुम पर छींटे ना मारे, लेकिन अपनी महिमा के अनुसार तुम पर उस धन को बरसा करे कि तुम उसके महिमा के धन में, उसके महिमा के दान में तुम भीग जाओ, डूब जाओ। उसके लिए पौलुस यहाँ पे बात कर रहे हैं। और पौलुस कह रहे हैं कि ताकि कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। क्या मतलब है पौलुस का यहाँ पे इस बात को, का जो वर्णन कर रहे हैं, जो बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा पर पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो जाए, हमारी आत्मा पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाए। हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण के द्वारा हम अपना जीवन जिए, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार, जैसा वो चाहता है उसके अनुसार हम अपना जीवन जिए और अपने आप को उसके सामने हम समर्पित कर दें, अपने आप को उसके सामने हम झुका दें और पूरा नियंत्रण अपने जीवन का हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, जो सहायक हमारे लिए दिया गया है। और जब हम अपना जीवन, अपना आत्मा, अपने प्राण हम जब प्रभु को सौंप देते हैं, तब हम भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत होते जाते हैं। मतलब कि अब हमारा, हमारी आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसलिए पौलुस बोला कि तुम भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत हो जाओ कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बस जाए, तुम परमेश्वर का आत्मा तुम्हें मजबूत करे, दृढ़ करे। इस बारे में पौलुस यहाँ पे बात कर रहे हैं। पौलुस कलीसिया के विश्वासियों के लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में
दृढ़ होने की प्रार्थना कर रहे हैं, पितृ मनुष्यत्व में मजबूत होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज अगर हमें जो बातें हमें सबसे ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है हमारी आत्मा के लिए, वो ये कि हम पितृ मनुष्यत्व में मजबूत होते जाएं। हमारी ये प्रार्थना हो कि हम पितृ मनुष्यत्व में मजबूत होते जाएं। और क्यों मजबूत होना है, क्यों पौलुस बोल रहा है कि तुम पितृ मनुष्यत्व में मजबूत होते जाओ? इसलिए कि ताकि जब विपत्तियां, ताकि जब हमारे ऊपर हमारे जीवन में चुनौतियां आए, संघर्ष आए, दुख आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, ताकि हम उन सारी परिस्थितियों में हम खड़े रह सकें, उसका सामना कर सकें। हमारे जीवन में जब परेशानियां आए तब हम विश्वास से पीछे ना हट जाएं, विश्वास से दूर ना हो जाएं, हम परमेश्वर के मार्गों से डगमगा ना जाएं। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पितृ मनुष्यत्व में मजबूत हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि हम पितृ मनुष्यत्व में मजबूत हों, ताकि हर एक परिस्थिति में हम उस सामर्थ्य के द्वारा, जो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, हम उसका सामना कर सकें। और पौलुस इस बात को ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, हवाबाजी नहीं कर रहे हैं पौलुस। पौलुस ने अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को बहुत ही नजदीक से, बहुत ही करीब से, बहुत ही मजबूती के साथ परमेश्वर ने, और पौलुस ने उसका अनुभव किया है अपने जीवन में, इसलिए पौलुस लिख रहे हैं। कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों, उसमें 11-24 से आगे देख सकते हैं पौलुस लिखते हैं। वहां पर 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए हैं, 3 बार बेतों से पीटा गया हूं, मुझ पर पथराव किया गया, अधमरा समझ के मुझे फेंक दिया गया, मैं परिश्रम और कष्ट में, रात दिन भर जागने में, भूख में, प्यास में, अक्सर निराहार रहने में, ठंड में, उधेड़े में रहने में दिन बिताए। पौलुस के जीवन में जो सताव हुआ है, जिन चीजों से पौलुस ने संघर्ष किया है, जिन बातों को लेकर, यहां तक वो इस बात को भी लिखते हैं कि वो भूखमरी में भी, नंगेपन में, उधेड़े में, नंगेपन में भी पौलुस रहे। फिलिपियों की पत्री में लिखते हैं पौलुस, फिलिपियों की पत्री 4:12-13 में लिखते हैं पौलुस, मैं दीनहीन दशा में तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूं, हर एक बात और हर एक प्रत्येक परिस्थिति में मैं तृप्त होना जानता हूँ, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। 13 में पौलुस लिखते हैं कि जो सामर्थ्य मुझे प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ, जो सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य जो मुझे मिला हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य मुझे मुझे प्राप्त है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मतलब ये कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। पौलुस यहां कह रहे हैं, मैं हर परिस्थिति का, मैं मारा गया सुसमाचार के लिए, मुझे सताया गया, पीटा गया, अधमरा समझ के फेंक दिया गया, लोगों ने मुझे फेंक दिया, और सुसमाचार के कारण ही मैं भूखा प्यासा रहा हूं, कठिन परिश्रम मैंने की है, और लेकिन मैं उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। हमें पितृ मनुष्यत्व में इसलिए मजबूत होना है ताकि हम भी पौलुस के समान हर परिस्थिति में खड़े रहें, हर परिस्थिति में डटे रहें। हम पिछले हफ्ते पास्टर सोनू जब प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया किसी का कि 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी दुनियावी चीजों में बहक जाते हैं। इस बात का ये भी एक चिन्ह है कि भले ही वो 10 साल हो गए हमें, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे, अभी भी हम दुनियावी बातों में हैं, हम पितृ मनुष्यत्व में हम मजबूत नहीं हैं। ये इसीलिए हो रहा है ताकि हम पितृ मनुष्यत्व में मजबूत नहीं हैं, इसीलिए आसानी से हम परमेश्वर के विरुद्ध हम चले जाते हैं। परमेश्वर का हमारे अंदर कोई डर नहीं होता है और हम पापों में फंस जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं। इसीलिए पौलुस लिख रहे हैं आप में कि हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। भौतिक चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक चीजों के लिए जो प्रार्थना है, वो वे प्रार्थना है कि हम पितृ मनुष्यत्व में मजबूत होते जाएं। वचन 17, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़ लो।
निवास स्थान। पौलुस यहाँ पे एक शब्द का कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे। निवास करने का मतलब है कि मसीह हमारे दिल में बस जाए, मसीह हमारे दिल में घर कर जाए। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के शरीर में जो चुना हुआ जगह है, जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर जहाँ रहना चाहते हैं, वो है हृदय। मनुष्यों का हृदय है वो वहां पर रहना चाहते हैं। अब वो किसी बनाए हुए इमारत में नहीं, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए इमारत में नहीं, परमेश्वर ने जिन्हें खुद अपने हाथों से बनाया, परमेश्वर का आत्मा मसीह उसमें रहना चाहते हैं। और ये तभी तभी मसीह हमारे हृदय में वास करेंगे, तभी हमारे हृदय में मसीह बसेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम अपना जीवन जिएंगे और हम विश्वास में बढ़ते रहेंगे। और विश्वास में बढ़ने का मतलब, हम जैसे जैसे हम चलाए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, हम जैसे जैसे विश्वास में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अब हमारा पुराना जीवन जो है वो बदलता जाए। हमारे हृदय में जो पाप है, हमारे मन में जो, हमारे सोच विचार में जो पाप है, वो पाप अब निकलते जाए। अब मसीह की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता हमारे हृदय में बसती जाए और तब परमेश्वर हमारे दिलों में वास करेंगे। हम परमेश्वर में जितना बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ हम जितना अपने रिश्ते को हम मजबूत करेंगे, जितना परमेश्वर के साथ हम रिश्ते में बढ़ते रहेंगे, जितना हम प्रार्थना में, जितना उसके वचनों में डूबेंगे, उतना हम प्रभु में बने रहेंगे और उतना ही वैसे ही प्रभु हम में बने रहेगा, हमारे हृदय में वैसे ही परमेश्वर वास करेगा। पहला कुरिन्थियों 3:6-7 में, 16-17 में ऐसे लिखते हैं, पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा। परमेश्वर ने हमें शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए बनाया है, कि हम जो पुराने काम करते थे, घिनौने काम जो हम करते थे, उनसे निकल जाए हम, अब हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाए, पवित्रता में हम बढ़ते जाए और मसीह हमारे हृदय में वास करे। क्यों मसीह क्यों हृदय में वास करे? कुलुसियों की पत्री में ऐसे लिखते हैं पौलुस, 15-19 में लिखते हैं पौलुस की, परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता जो है वो मसीह में है, परमेश्वर की सिद्धता जो है वो मसीह यीशु में है। अगर परमेश्वर की पवित्रता को जानना है, मसीह को जान लो, मसीह को अपना लो, परमेश्वर के सामने आना है, मसीह के सामने आ जाओ, परमेश्वर को देखना है, मसीह को देख लो, क्योंकि परमेश्वर की सारी सिद्धता जो है मसीह में वास करती है। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हम भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत होते जाए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि मसीह हमारे हृदय में वास कर जाए, हम पवित्रता में बढ़ते रहें, मसीह की आत्मा के द्वारा हम चलते रहें, और जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन, पुराना जीवन बदलते जाए और नए जीवन की तरफ, मसीह के, जो मसीह ने हमें जीवन दिया है, जैसे वो चाहते हैं हम वैसे चलते जाए। और 17 के दूसरे भाग में पौलुस कहते हैं, तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़ लो। यहाँ पे पौलुस जो जड़ पकड़ने और नींव डालने की बात कर रहे हैं, कि तुम मसीह के प्रेम में स्थिर हो जाओ, मसीह के प्रेम में बन जाओ। अब तुम, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पौलुस, जब कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है जब सब कुछ अच्छा चलता है, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, अपना जीवन अपने अंदाज में, अपने इच्छा से हम जीते हैं, जैसे ही परेशानियां आती हैं, फिर परमेश्वर के पास आ जाते हैं, फिर हम प्रभु के सामने हम आके गिड़गिड़ाने लगते हैं। पौलुस अब बोल रहे हैं, वैसा तुम्हारा जीवन अब वैसा नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन अब वैसा नहीं होना चाहिए, हम मसीह के प्रेम में हम आत्मिक रूप से बढ़े, पर मसीह हमारे हृदय में वास करे और मसीह के प्रेम में हम स्थिर हो जाए। पौलुस यहाँ पे मजबूती की बात कर रहे हैं, एक मजबूत नींव की बात कर रहे हैं और एक मजबूत जड़ की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार एक घर की मजबूती उसके नींव से मापी जाती है, एक पेड़ की मजबूती उसके जड़ से मापी जाती है, उसी प्रकार एक मसीह का जीवन इस बात पर निर्भर होता है कि वो मसीह से कितना प्यार करता है।
वो मसीह के प्रेम में कितना वो डूबा हुआ है, मसीह को अपने दिल में वो कितनी जगह देता है। और प्रेम करना आज्ञा का पालन है। यूहन्ना के सुसमाचार में 14:15 में लिखते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम प्रेम करते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं तो हम मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। हम मसीह से हम प्रेम करते हैं, हम मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। हमें स्थिर होना है, हमें दृढ़ होना है, हमें परमेश्वर के में परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को का हमें पालन करना है। यूहन्ना के में ही पौलुस यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं 15:10 में लिखते हैं, यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये चिन्ह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे अपने दिल से। और यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद जो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के बेटे हैं, वो खुद इस बात को बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर की अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ, इसलिए मैं बना हुआ हूँ मसीह में, इसलिए परमेश्वर के प्रेम में मैं बना हुआ हूँ। अगर हमें हमें हम बने रहना है हमें परमेश्वर के प्रेम में, तो हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और मसीह की आज्ञाओं का हम पालन करें अपने जीवन में, मसीह की आज्ञाओं का हम पालन करें। ने देखा, हम प्रार्थना करें, हम भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत होते जाएं, मसीह हमारे हृदय में वास करे, हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। और हमारी ये प्रार्थना हो कि हम मसीह के प्रेम में दृढ़ होते जाएं, मसीह के प्रेम में मजबूत होते जाएं। वचन 18:19 में सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ के शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। और उस यहां पे बोल रहे हैं कि तुम पवित्र लोगों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति, यहां पे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम सब जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हम जानते हैं, लेकिन पौलुस जो बोल रहे हैं कि आपस में कलीसिया के लोग जो पवित्र लोगों को के नाम के कह के परमेश्वर पौलुस बुला रहा है, बोल रहा है कि सब पवित्र लोग एक साथ भली भांति परमेश्वर के उस प्रेम को के समझ की शक्ति पाओ, उस परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को समझने की शक्ति को तुम पाओ। कई बार हमारा जीवन होता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, हम इसी बात पे हम अपने आप को रोक के रखते हैं, लेकिन हमें मसीह के प्रेम को, मसीह के प्रेम की गहराई को चौड़ाई को ऊंचाई को समझना है, तो हम कलीसिया के लोगों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता हो, कलीसिया के लोगों के साथ हम मसीह के उस प्रेम को हम बांटें, मसीह के उस प्रेम को हम साझा करें जो हमारे जीवन में मसीह ने हमसे किया है। शायद हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया है हमारे कलीसिया के किसी भाई बहन के साथ, जब हम उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनकी गवाहियों को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, परमेश्वर इससे भी बढ़कर काम करने वाला, जो काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है परमेश्वर उससे भी बढ़कर ज्यादा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम उससे भी बढ़कर है, तब हम समझ पाएंगे। पौलुस यहाँ पर चार प्रकार के प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस परमेश्वर के उस अगापे प्रेम को जो हमारी समझ से परे है, उस प्रेम को समझने के लिए कलीसिया के लोगों का एक होना, एक मन होना, एक साथ होना, पौलुस उसकी बात कर रहे हैं, एक साथ होकर तुम मसीह के प्रेम को के समझने के लिए तुम शक्ति प्राप्त करो। वचन 19 में, और मसीह के उस प्रेम को जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक
परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के ज्ञान को हम कभी नहीं समझ सकते। हम अपने मानवीय बुद्धि से हम उस परमेश्वर के प्रेम को हम कभी नहीं समझ सकते। वो उसी प्रकार है, अगर हम उस प्रेम को समझने के लिए हम परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो प्रेम है, हम पूरे उस परमेश्वर को प्रेम को हम समझ लेंगे, उसी प्रकार है कि समुद्र के किनारे खड़ा हुआ एक व्यक्ति एक छोटी सी ग्लास में पूरे समुद्र को भरने की कोशिश कर रहा है। वो ये उसके मन में ये बात चलेगी, मैं समुद्र को इस छोटे से ग्लास में भर लूंगा। उसी प्रकार हम मनुष्य जो है उस परमेश्वर के प्रेम को हम कभी नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से कभी नहीं हम जान सकते। लेकिन क्या करें, फिर छोड़ दें? हम समझ नहीं सकते उस परमेश्वर के प्रेम को, उस अथाह प्रेम को हम समझ नहीं सकते। तो क्या करें हम ये करें कि परमेश्वर ने जितना हमारे लिए रखा है, जितना हमारी समझ के लिए परमेश्वर ने रखा है, हम उसमें बढ़ते जाएं, उतना हम समझने की कोशिश करें, उस प्रेम को हम समझने की कोशिश करें। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत होते जाएं। हमारी प्रार्थना हो कि हम मसीह हमारे हृदय में वास करें। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हम मसीह के प्रेम में दृढ़ होते जाएं, मजबूत होते जाएं। और हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम मसीह के अथाह प्रेम को हम अनुभव कर सकें अपने जीवन में। हम मसीह के प्रेम को हम कभी समझ नहीं सकते, लेकिन जितना मसीह ने हमारे लिए, जितना परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसका हम अपने जीवन में अनुभव करें, उतना हम जानने की कोशिश करें। और ये प्रार्थना इफिसियों तक ही समाप्त नहीं हो जाती, इफिसियों तक ही रुक नहीं जाती, ये आज इस समय ये हमारे लिए है, यीशु नाम सत्संग के लिए है ये प्रार्थना, कि हमारी ये प्रार्थना हो कि हम इन बातों में जो हमने देखा, इनमें हम बढ़ते जाएं। और उसने जो प्रार्थना की कि वो मजबूत होते जाएं, परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ होते जाएं, परमेश्वर के प्रेम में वो बढ़ते जाएं, आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की शक्ति में हम बढ़ते जाएं, हम उस प्रेम का हम अपने जीवन में अनुभव करें। यीशु मसीह, हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए आया इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के समान, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हमारे पापों के लिए ही वो फिर से हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम जब उस पर विश्वास करें हम बचाए जाएं। हम जब उस पर विश्वास करें हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। और क्षमा प्राप्ति के बाद सिर्फ वहीं पे रुकना नहीं है, हमें जो चीज़ें आज हमने देखी, हमें उन बातों में हमें बढ़ते जाना है, उन चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उन चीज़ों के लिए निरंतर हमें बढ़ते रहना है, उन चीज़ों के लिए निरंतर हमें उन्नति करनी है। हम सबके लिए ये प्रश्न है, क्या हम भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत हो रहे हैं? और भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत हो रहे हैं तो क्या मसीह हमारे हृदय में है, मसीह हमारे दिलों में वास करता है? क्या हम मसीह के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं या जी रहे हैं? क्या हम मसीह के प्रेम में दृढ़ होते जा रहे हैं, मजबूत बनते जा रहे हैं? क्या हम मसीह के अथाह प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं? आइए अपने जगहों पे खड़े हो जाएं।